हाय फ्रेंड्स, दोस्तों सीखो सुखा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक वेक्टर होता है, वेक्टर उस क्वांटिटी को बोला जाता है, वो क्वान्टिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ों की मदद से दिखाते हैं। तो कोई भी वैक्टर होता है उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं कोई ए वैक्टर मान रहा हूँ, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो गाइज कुछ भी हो सकता है, xyz xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ए वेक्टर है। सपोज कीजिए गाइज ये एक बी वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो गाइज ये दो वेक्टर हैं, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जाना कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि गाइज कभी भी हम दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है, वो एक सिंपल मैग्नीट्यूड मिलता है। उसमें कोई डायरेक्शन हमें नहीं मिलती है, केवल हमारे पास कुछ पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो गाइज डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास एक पार्टिकुलर फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर सपोज कीजिए हमें एक ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। गाइज ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर हमें इस चीज को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक गाइज, बिल्कुल इसके अपोजिट अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं गाइज, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जब हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो डायरेक्शन को भी दिखाता है और उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है। गाइज कहने का मतलब है कि कभी भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो भी हमें एक वेक्टर ही मिलता है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए या वेक्टर प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है गाइज, ए क्रॉस बी, यह है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये तो गाइज हमें ये चीज हमें देगी पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड, ये कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। साइन थीटा की मान ली सपोज कीजिए 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। ए का मैग्नीट्यूड भी कुछ कांस्टेंट है, बी का मैग्नीट्यूड, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड मिला। लेकिन साथ में हम ये लिखते हैं एन कैप, जो एन कैप है ये गाइज दिखाता है डायरेक्शन को, मीन्स इन दोनों वैक्टर्स का क्रॉस करने के बाद जो हमें नया वैक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप क्या कर लीजिए, मोड ले लीजिए इस चीज़ का, ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और इस टाइम ये जो एन कैप वेक्टर था गाइज ये एक नॉर्मल वेक्टर था और नॉर्मल यूनिट वेक्टर था और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसलिए ए बी साइन थीटा बच गया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का गाइज फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइज इसका थोड़ा बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर सपोज कीजिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, और हम इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइज क्रॉस करने के बाद जो हमें वेक्टर मिलेगा, एक सपोज कीजिए जेड वेक्टर या वाई सी वेक्टर मिल गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें वेक्टर ही मिलता है ऑलवेज। तो गाइज ये जो वेक्टर होगा ना, ये जो सी वेक्टर होगा, ये ए और बी वेक्टर जिस प्लेन के अंदर थे, जिस प्लेन में लाई कर रहे थे ए और बी वेक्टर, उन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हमें जो वेक्टर सी मिलेगा ये हमें जेड डायरेक्शन में मिलेगा, इस साइड अपवर्ड। ये एक प्लेन है जिसके अंदर ए और बी दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो हमें जो सी वेक्टर मिला गाइज ये एक प्लेन है, प्लेन हैविंग ए एंड बी, तो जो सी वेक्टर है दोनों के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा।